जिलाधिकारी कृष्णा करुनीस ने आगामी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 16 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान की 100% सफलता सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो प्लान के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए हैं और कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर दिए गए दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सावधानी ही बचाव है, इसलिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि BHND एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गांव में आयोजित होने वाले BHND दिवस में ग्राम प्रधानों को भी शामिल किया जाए। उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने विकास भवन सभागार में आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने DHS की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अभियान के उपरांत सभी के ग्राम स्तर पर कार्यों की समीक्षा भी किए जाए और खराब कार्य करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय किया जाए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजन को मिले, इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, CMO, एडिशनल CMO, CSC, PSC प्रभारी तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज की स्टाफ लिस्ट में एंट्री करना सर, मेडिकल कॉलेज में ये सिस्टम हम लोग चूँकि अपने रजिस्टर में भी कर रहे हैं और फिर हम लोग ऐप में भी कर रहे हैं, तो इसमें सर ऐसा जहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है तो वो छूट जाना है। अभी तो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था आपसे कि एक पायलट प्रोजेक्ट पर आप हमें ये दिखाइए सर, जिससे कि हमें दो तरह के काम जो है एक ही टाइम में करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो नजर में अगर आप दूर कर रहे हैं तो हम उसको जो बंद कर सकते हैं। यहाँ पे सर हम डेली रिव्यू करते हैं, डेली मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 11 बजे काम कर रहे हैं। नहीं कर रहा है।